आईबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। होठों पे लिपस्टिक, माथे पे बिंदी, हाथ में नील पॉलिश लगाकर एक व्यक्ति पहुंचा एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, होठों पे लिपस्टिक, माथे पे बिंदी और हाथ में नील पॉलिश और यहाँ तक के सर पे दुपट्टा और लड़कियों का गेटअप भी पहनकर पहुंच गया अंग्रेज सिंह एग्जाम हॉल में एग्जाम देने अपनी गर्लफ्रेंड के बदले। प्यार के कई किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन यह अनोखा किस्सा देखने को मिल रहा है जहां मनप्रीत सिंह, ये अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां पर अंग्रेज सिंह ये जानता था कि इसका अंजाम कुछ और ही देखने को मिलेगा अगर वो पकड़ा जाएगा, लेकिन उस चीज़ की परवाह ना करते हुए अंग्रेज सिंह फिर भी एग्जाम हॉल में पहुँच गया, प्रॉपर अपनी गर्लफ्रेंड मनप्रीत कौर की पूरी गेटअप की तरह लगा कर वहाँ पर पहुँच गए ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ पर मनप्रीत कौर बैठी है या फिर अंग्रेज सिंह बैठे हैं। बहुत ही होशियारी से वो एग्जाम हॉल तक पहुंच गया, यहाँ तक कि वो एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद एक पेपर आंसर शीट भी लिखने लगा, लेकिन उसके बाद जो है वो फंसता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अंग्रेज सिंह फंसता है, किस तरह से पता चलता है कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई महिला नहीं है बल्कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मनप्रीत कौर, ये पंजाब का निकल कर मामला सामने आ रहा है जहाँ पर मनप्रीत कौर का एग्जाम होने वाला था, लेकिन मनप्रीत कौर ने कई बार इस पेपर को देने के बाद मनप्रीत कौर पास नहीं हो पाई, लेकिन उसके आशिक प्रेमी अंग्रेज सिंह ने चाहा कि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बदले एग्जाम दूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड को पास करवा लूंगा। और उसके बाद होता क्या है वो आप सुन लीजिए, पूरे प्लान जो है प्री प्लान किए जाते हैं, उसमें आप लोग सोचोगे कि वो कैसे एग्जाम हॉल में पहुंचा, उसको जो है उसकी एनरोलमेंट नंबर होगा या फिर उसका कार्ड देखा जाएगा, ये सब प्री प्लान किया गया। अंग्रेज सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड मनप्रीत कौर की जगह पर अपना फोटो लगा दिया, उसके इलेक्शन कार्ड पर अपना फोटो लगा दिया, एनरोलमेंट नंबर पे अपना फोटो लगा दिया, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट अंदर एंट्री करने में लगते थे एग्जाम हॉल में उन सब जगह पर उसने अपना फोटो लगा दिया अंग्रेज सिंह ने, जिसकी वजह से वो अंदर पहुंच पाया। अंग्रेज सिंह ने अपना वही फोटो लगाया उन कार्ड पे जो उसने उस समय गेटअप करके रखा था, माथे पे बिंदी, होठों पे लिपस्टिक और हाथ पे नील पॉलिश लगा के वही वाला फोटो उसने सारे कार्ड पे लगाया था, लेकिन वो पकड़ा कैसे जाता है, कहीं हद तक जो अंग्रेज सिंह है वो कामयाब भी हो जाता है इस काम में, कहीं हद तक वो खुश हो जाता है कि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे बदले एग्जाम दे दिया है, अब अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए वो भी खुश हो रहा था कि अब मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही लम्हे के लिए थी, उसके बाद जो है फिर से वो खुशी ख़त्म होगी। जब एग्जाम हॉल में जब उस पर शक होने लग जाता है, जो एग्जाम टीचर थे जब एग्जाम हॉल में ड्यूटी दे रहे थे उस पर शक होने लगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई लड़का लड़की की तरह गेटअप करेगा तो उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ से पता लगाया जा सकता है कि ये लड़की नहीं लड़का है, और उसकी एक्टिविटीज से पहले ही शक हो गया था, लेकिन उसको बताया नहीं किसी ने, एग्जाम हॉल में जितने भी ड्यूटी देने वाले थे उन्होंने नहीं बताया अंग्रेज सिंह को। उसके बाद जो जब फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए लाते, जब फिंगर स्कैन किया उनका, तो उसके बाद जो उस समय निकल कर सामने आता है अंग्रेज सिंह नाम निकल कर सामने आता है। आप सभी जानते हैं जब फिंगर स्कैन करेंगे तो हमारा जो रियल नाम है वो निकल कर सामने आता है, जब अंग्रेज सिंह नाम निकल कर सामने आया उसके बाद जो है सबको पता चल जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल वाले अंग्रेज सिंह को नहीं बताते कि हमें तुम्हारी हकीकत पता चल गया है। अंग्रेज सिंह खुशी खुशी एग्जाम हॉल से पेपर देकर बाहर निकलता है, उसके बाद जो जब अंग्रेज सिंह को साइड में ले जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपने ये हरकत की है, आप जो आप फंस चुके हो। तो उसके बाद जब अंग्रेज सिंह ने इतना सब कुछ सोचा भी था कि अब मुझे आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा, फिर भी अपने प्यार के लिए कितना बड़ा कदम उठाया अंग्रेज सिंह ने, उसके बाद जो उस पर 400BC का पर्चा दर्ज हो गया। अभी अंग्रेज सिंह को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस समय जो है FIR अंग्रेज सिंह पे दर्ज हो चुकी है, अब वो बेल पर बाहर है। लेकिन किस तरह से जो मनप्रीत कौर की अगर हम बात करें तो उसको भी जो है एग्जाम हॉल से ब्लैकलिस्टेड किया गया है, अब वो भी एग्जाम नहीं दे पाएगी। कितना बड़ा जो है मामला हो गया एक इतनी हरकत की वजह से, आप लोग सोच लीजिए अगर मनप्रीत कौर ने खुद एग्जाम दिया होता तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं होता, ना ही उसके बॉयफ्रेंड अंग्रेज सिंह पे FIR होती और ना ही मनप्रीत कौर ब्लैकलिस्टेड होती। बताना चाहेंगे कि जो अंग्रेज सिंह है उसकी उम्र 26 वर्षीय बताई जा रही है और जो मनप्रीत कौर है उसकी उम्र 33 वर्षीय बताई जा रही है, और इन दोनों की जो है रिलेशन चल रही थी। किस तरह से अपने प्यार के लिए कई ऐसे अनोखे जो है किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन इस तरह का किस्सा जो है वो भी आप लोगों के सामने निकल कर सामने आया है, किस तरह से अंग्रेज सिंह ने अपने प्यार को पास करवाने के लिए खुद एग्जाम हॉल में गेटअप चेंज करके पहुंच जाता है, लेकिन वो गेटअप चेंज करना उसको बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया। आए दिन हमें ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहाँ स्टूडेंट जो है वो अपनी जगह पर किसी और स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए भेजते हैं, चाहे वो गेटअप चेंज करने की बात हो या फिर और कहीं तरीकों से जो है वो एग्जाम हॉल में पहुँच जाते हैं। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट खबर रहने वाली है कि अब वो इस
तरह की हरकत ना करें। अगर आप लोग इस तरह की हरकत करके वहाँ पे जाते हैं तो आप पे जो है 420C का पर्चा लग सकता है। इस तरह की हरकत बिल्कुल भी ना कीजिए। और देखते रहे IBN 24 न्यूज के साथ, मैं मुस्कान चौधरी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।